ये आप देख सकते हैं ब्लिस टावर फैन है ये, और ये रिमोट कंट्रोल टावर है फैन, इसको रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं और स्विच से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये रिमोट से भी चलता है और स्विच से भी चलता है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, ओपन करके आपको दिखाएंगे ये चलता है कैसे है। तो सबसे पहले हम पावर प्लग में लगाएंगे, ये देखिए हमारा पीस ओपन हो गया, डिस्प्ले में लाइट आ गई। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 बटन हैं, तो बीच वाली सबसे बड़ी बटन जो है वो ऑन ऑफ की है, तो यहाँ से हमने इसे ऑन कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं फर्स्ट स्पीड है, और यहाँ से ये फंक्शन है, इस पर आप नाइट मोड, स्माइल मोड जो भी आप करना चाहते हैं यहाँ से इस वाली बटन से आप कर सकते हैं इस तरीके से। ये देख सकते हैं आप इस तरीके से आप कर सकते हैं, और ये है मूविंग फंक्शन, यहाँ से आप पंखे को मूव करवा सकते हैं, और ये है टाइमर जो कि यहाँ से टाइम आप सेट कर सकते हैं। अब आते हैं, ये है 3 स्पीड, ये हमने 2nd स्पीड पे कर दी और ये 3 स्पीड है। जैसे ही आप 1st, 2nd, 3rd करेंगे इसकी स्पीड बढ़ती रहेगी, आपको कम करना है तो 1st स्टेप और 2nd, 3rd, इस तरीके से ये काम करता है। इसमें एक और फंक्शन है एनियन का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा एयर फ्रेशनर बना हुआ, यहाँ पे आप इसके अंदर परफ्यूम वगैरह डाल के इसमें लगा देंगे तो आपकी जो रूम की हवा है वो खुशबूदार होगी। इस तरीके से आप इसको यूज करते हैं। इसको रिपेयर कैसे करते हैं, क्या ख़राब होता है, हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो हम पावर प्लग को बंद करेंगे, यहाँ से हमने निकाल दिया, ले चलते हैं इसको खोलते हैं। सबसे पहले तो हम इसको ओपन करेंगे, बैक कवर आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे स्क्रू लगे हैं, सबको खोलना पड़ेगा सबसे पहले तो। फिर उसके बाद ये बैक कवर बाहर आएगा, ये देख सकते हैं इस तरीके से ये टॉप कवर खुल गया, बैक बॉडी जो है वो बाहर आ गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीसीबी कार्ड और डिस्प्ले, और यहाँ पे माइक्रो स्विच लगा हुआ है, ये देख सकते हैं। अगर इसमें कोई ख़राबी आती है तो आप मल्टीमीटर की सहायता से चेक करके इसे चेंज कर सकते हैं। नीचे साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे मोटर लगी होती है 3 स्पीड की, और यहाँ पे कैपेसिटर लगा होता है, और 1.2, और यहाँ से आप इसको अगर आपका स्पीड नहीं आ रही है तो यहाँ से आप कैपेसिटर को चेंज कर सकते हैं, दूसरा कैपेसिटर लगा के इसकी स्पीड सही कर सकते हैं। और सबसे नीचे आप देख रहे हैं ऑक्सीलेटरी मोटर लगी है जो कि इसको मूव कराता है, तो इसको भी आप यहाँ से कनेक्शन से चेक करके यहाँ से चेंज कर सकते हैं।
ये ब्लोवर है, अगर आपका ब्लोवर टूट जाता है तो यहाँ आप देख सकते हैं सापट में ये नट लगा हुआ है, इसको खोलना है और खोल के ये ब्लोवर जो है वो बाहर आ जाएगा। इस तरीके से आप ब्लोवर को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें बूस लगा होता है, अगर ये आपका बूस कट जाता है तो ये जाम चलता है। यहाँ से ये दो स्क्रू लग रहे हैं, यहाँ से आप खोल के इस बूस को भी चेंज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये जो बैक कवर होता है वो दो पार्ट में होता है। सबसे पहले हमें नीचे वाला पार्ट लगाना होता है, उसके बाद ऊपर वाला रख के उसके ऊपर ऐसे फंसा देंगे, उसके बाद इसमें स्क्रू टाइट कर देंगे, ये हमारा पीस बिल्कुल ओके हो जाएगा। इस तरीके से आप इसकी सर्विस कर सकते हैं, इसकी रिपेयरिंग कर सकते हैं, कोई भी पार्ट ख़राब हो तो इसको हम चेंज कर सकते हैं।